आज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के कुल 51 टॉपिक। जी हाँ, ये आपके बोर्ड परीक्षा में 51 टॉपिक पूछे जाएंगे। मात्र ये अगर आप 51 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो 70 में 70 बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सारी वीडियो पाएंगे कि ठीक है बायोलॉजी में आप 60 टॉपिक पढ़ लीजिए, 80 टॉपिक पढ़ लीजिए, 90 टॉपिक पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो आप क्यों पढ़ेंगे भाई साहब, जो प्रश्न आ ही नहीं रहा है तो आपको 60 टॉपिक पढ़ने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है 80 टॉपिक पढ़ने की, क्या जरूरत है 90 टॉपिक पढ़ने की। हम कह रहे हैं जब आपका 51 टॉपिक में ही आपका 70 नंबर पूरा फंस जाएगा तो आप क्यों भाग रहे हैं 60 की तरफ, 80 की तरफ, 90 की तरफ। क्योंकि मैं बायोलॉजी पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ तो देन पूरा पेपर एनालिसिस करने के बाद मैं ये जो टॉपिक लिखवा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो गारंटी हमारी है कि बोर्ड एग्जाम में ना इससे बाहर कोई प्रश्न पूछा जाएगा और ना आएगा। सो इसलिए आप लोग इन सभी टॉपिकों को क्या करिए, पूरा का पूरा तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। और मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा, ऐसा भी नहीं कि मैं किसी भी चैप्टर को उठा के मैं बताना शुरू कर दूं, नहीं, मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको वो चीजें क्लियर हो जाए और आपको पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आएगा। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे शुरुआत करूंगा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की। किसकी बात करेंगे, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की। अगर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें केवल आपको 6 टॉपिक यानी कि ये 6 प्रश्न पढ़ने हैं। सबसे पहला भ्रूण कोष तथा भ्रूण पोष में अंतर, इट इज IMP टॉपिक, ठीक है ना। उसके बाद भ्रूण पोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तीसरा टॉपिक एक प्रारूपिक बीजाण की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। और चौथा टॉपिक लघु बीजाणु धान का निर्माण तथा लघु बीजाणु जनन। और पांचवा टॉपिक द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन। और छठा टॉपिक बीजाण का परिवर्धन तथा गुरु बीजाणु जनन। ये सब जो लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, भाई साहब इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है ना। उसके बाद सातवा परागकण, परागण के प्रकार और परागण के लाभ तथा हानि। बस आपको यही टॉपिक पढ़ना है, इससे बाहर आपको एक भी टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ये सोच रहे हैं यार कि चलिए मैं इससे बाहर पढ़ लेता हूं, कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में आएगा ही नहीं। आप बस इसी 7 टॉपिक को पढ़ना, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन से। सर इसकी PDF कहाँ मिलेगी, इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल SKM Study भेज दूंगा। SKM Study से जाके इसका पूरा PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कहाँ पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे मानव जनन, जी हाँ आपका ये चैप्टर नंबर 2 है आपके नए बुक के अकॉर्डिंग। मानव जनन से आपको ये 5 टॉपिक ही पढ़ना है। सर कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लें, अपरा की परिभाषा एवं अपरा के कार्य। मैं हर एक टॉपिक को पढ़ा दूंगा यूट्यूब पे, टेंशन मत लेना, दो दो तीन तीन वीडियो करके मैं खत्म कर दूंगा। दूसरा पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तीसरा मादा के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। युग्मक जनन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए और मानव में अंडाणु जनन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। बस इन्हीं आपको, ये आपको 5 टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। कौन सी, अपरा की परिभाषा और अपरा के कार्य, पुरुष के नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, युग्मक जनन और नामांकित चित्र द्वारा शुक्राणु जनन और मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है। इससे बाहर आपका एक भी आपका आने वाला नहीं है और ना ही आपको पढ़ना है। तो ये आपके केवल केवल 5 टॉपिक आपको मानव जनन से पढ़ना है। जनन स्वास्थ्य में सर कितना टॉपिक पढ़े, अरे यार मात्र 2 टॉपिक पढ़ो, IVF पात्रनी सेचन तकनीकी और जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध, बस। बाकी छोटे छोटे जो टॉपिक रहेंगे वो मैं आपका लघुत्तरी में करवा दूंगा, तो उसके पीछे आपको भागने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि वो सब सारी चीजें मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद आपका ये जो चैप्टर नंबर 4 है नया बुक से, वंशागति तथा वित्तता के सिद्धांत, यहाँ से आपको 9 टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। सर ये 9 टॉपिक कौन कौन से है, पहला डाउन सिंड्रोम, इस पर टिप्पणी लिखिए। जीन प्रारूप तथा विशिष्ट प्रारूप लक्षण पर टिप्पणी कीजिए। क्रॉसिंग ओवर क्या है, सह प्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए।
प्रभाविता तथा अप्रभाविता में अंतर आपको बताना है, अनुवांशिक रोग क्या है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मेंडल की किसके मेंडल के वंशागति के नियम और लिंग संलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं। ये आपको 9 टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। कितना टॉपिक? ये 9 टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद है आपका वंशागति का व आणविक आधार। सर इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि आपको 7 ही टॉपिक पढ़ना है, देख लीजिए कौन कौन सा। डीएनए तथा आरएनए में अंतर सबसे पहला टॉपिक। दूसरा, डीएनए उंगली छाप क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तीसरा, मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। डीएनए संरचना के वाटसन तथा क्रिक मॉडल को प्रस्तुत चित्र द्वारा समझाइए और इसके कार्य, तो ये मैं करवा दूंगा। कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं वर्णन कीजिए। और अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। और अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो वंशागति तथा आणविक आधार से आपको ये 7 टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। इससे बाहर आपका एक भी आने वाला नहीं है, ठीक है। और अगर आता भी है तो यार आप अति लघु उत्तर, लघु उत्तर इतना आपको मैं पढ़ा दूंगा ना कि वो सारे टॉपिक आप बनाकर लिख लोगे, सारे क्वेश्चन आप लिख लोगे। उसके बाद आता है आपका मानव स्वास्थ्य तथा रोग। एक और है विकास, क्या है आपका विकास। तो जो विकास वाले प्रश्न है उसको मैं आपको अलग से करवा दूंगा, तो उसपे मत जाइएगा, ठीक है ना। उसको मैं अलग से करवा दूंगा, वो आप ऐसे ही कर लोगे। विकास जो चैप्टर है वहां जो क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए मैं आपको करवा दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। एल्कोहल ड्रग्स के दुरुपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा, प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। तीसरा टॉपिक, मलेरिया के रोगजनक रोगवाहक लक्षण तथा उपचार लिखिए। चौथा, टाइफाइड का कारक लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। पांचवा, निम्नलिखित में से दो मानव व्याधियों के लक्षण और उपचार लिखिए, जैसे डेंगू हो गया, डेंगू ज्वर और निमोनिया। और स्टेम कोशिकाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बस ये आपको 6 टॉपिक मानव स्वास्थ्य तथा रोग से पढ़ने की जरूरत है, और इससे बाहर आपको एक भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। अगर आप सोच रहे हैं कि सर एक्स्ट्रा पढ़ लें तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि पेपर में आएगा ही नहीं, तो आपको क्यों पढ़ना है भाई, क्यों पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। उसके बाद मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, इसमें तो एक दो टॉपिक पढ़ना है। जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका महत्व, और बायोगैस क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस के दो उपयोग बताए। बस ये आपको दो टॉपिक पढ़ने की जरूरत है, कहाँ से, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव से, ठीक है ना। उसके बाद ये चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, यहाँ से आपके 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं। डीएनए लाइगेस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, पीसीआर पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, प्लाज्मिक वेक्टर पर टिप्पणी कीजिए। बस ये आपको 3 टॉपिक यहाँ से आपको पढ़ने की जरूरत है, इससे बाहर नहीं पढ़ना। उसके बाद यहाँ पे आपका जैव प्रौद्योगिकी और इसके उपयोग, तो यहाँ पे आपको जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में उपयोग, बीटी कपास, बायोपायरेसी पर उदाहरण सहित आपको टिप्पणी करना है। जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखना है। पुनर्संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है, और अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के मानव हित में 4 अनुप्रयोग लिखिए, और मानव इंसुलिन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। बस और इसे आपको बाहर पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जैव विविधता और संरक्षण से क्या क्या पढ़ना है, तो इसे आपके 4 टॉपिक, आईसीएन और WWF का पूरा नाम, संकट ग्रस्त वन प्राणियों से आप क्या समझते हैं, तप्त स्थल यानी कि हॉटस्पॉट पर संक्षिप्त टिप्पणी, और जैव विविधता की परिभाषा लिखना है। बस तो मात्र मात्र यही आपको आपको 51 टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। अगर ये 51 टॉपिक तैयार कर लिए भाई साहब, तो 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का होगा, गारंटी मेरी है। रही बात सर इसका सलूशन, तो मैं इसका सलूशन कल मॉर्निंग में 6 बजे शुरू कर दूंगा, और आपको पूरा वीडियोस आना शुरू हो जाएगा, और आप जाकर आराम से पूरा पूरा पढ़िए, चैनल से कोई दिक्कत नहीं है। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल यस केमिस्ट्री भेज दूंगा, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो मिलते हैं अगली ऐसी प्यारी वीडियो में, और तब तक लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।